सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों रुपए की मालियत की 28 गैर कानूनी तामीरात मुनहदम व सरे बुमहर कर दी हैं। पाक न्यूज ऑब्जर्वर के नुमाइंदा खसूसी के मुताबिक SBCA की जानिब से गैर कानूनी इमलाक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। SBCA के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सलीम रजा की हिदायत पर जुमे को मुख्तलिफ डिमोलिशन टीमों ने शहर भर में कार्रवाइयां करते हुए नक्शे के खिलाफ इजाफी मंजिलों पोर्शन और इस्तेमाल एराजी के खिलाफ वर्जी समेत दीगर कानूनी तामीरात में शामिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके में प्लॉट नंबर 265A ब्लॉक ए पर ग्राउंड और पहली मंजिल की RCC छत के हिस्से और प्लॉट नंबर 28R सेक्टर A16 मसमार कर दिए हैं, जबकि शहर के बाकी इलाकों बफर जोन नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद टाउन, गुलबर्ग टाउन, शरीफाबाद, गुलशन इकबाल टाउन, न्यू लियारी, CHS सेक्टर 15, धोरा जी, जमशेद टाउन और दीगर में भी बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाइयां की गई। औरंगी टाउन में प्लॉट नंबर 73 शीट 2 के S नंबर 436 सेक्टर 04 पर चौथी मंजिल के RCC कॉलम्स और छत के हिस्सों को मुनहदम और जगह को सरे बमहर कर दिया गया है, जबकि सेक्टर 4 में प्लॉट नंबर 34L, 35L, 36L पर मौजूद मुश्तिल अफराद की जानिब से नक्श अमन के पेश नज़र तीनों प्लॉट्स को सरे बमहर कर दिया है।